छत्तीसगढ़ दुर्ग के श्री महावीर जैन स्कूल में साइंस और कॉमर्स के छात्र छात्राओं ने नए नए आविष्कार पर अपने मॉडल बनाकर प्रदर्शनी में रखा, जहां मौजूद शिक्षक और पालकों ने उसका अवलोकन कर सराहना की। दुर्ग के महावीर जैन स्कूल में बुधवार को एक एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हुनर का जौहर दिखाया। सब मॉडल में कौन कौन से नहीं है वंदना दे, उन बच्चों को बुलवा, जिस जिस मॉडल के लिए बुलवा, हर काम तुम लोग मेरे ऊपर बनता। आपको बता दें कि साइंस और कॉमर्स एग्जीबिशन में स्कूल के 9th और 11th की छात्र छात्राओं ने विभिन्न तरह से अपना अपना मॉडल बनाकर स्कूल में रखे प्रदर्शनी स्टॉल पर सजाया। स्कूल के छात्र छात्राओं का कॉन्फिडेंस देखते ही नजर आया। छात्र छात्राएं बड़ी ही बेबाकी से अपने द्वारा बनाए मॉडल की विशेषताएं बयान करने लगी। उन्होंने आगे क्या कहा, देखिए। हम लोगों ने ऐसा कुछ ऐसा पर्टिकुलर सोचा नहीं कि देख के बनाया, बट हमने सोचा हमने मतलब इतना नॉलेज गेन किया है तो वो और बच्चों तक भी पहुँचनी चाहिए, पेरेंट्स तक पहुँचनी चाहिए, सो दैट द पेरेंट्स और उनको भी नॉलेज होना चाहिए सब चीज़ों के बारे में। सर, हीमोडायलिसिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस को हम बेसिकली तब यूज़ करते हैं जब इंसान का जो किडनी फेल हो जाता है, उसका मतलब फंक्शनिंग स्टॉप हो जाता है। हमें पता है कि किडनी जो फंक्शनिंग यूनिट ऑफ ब्लड है, तो किडनी फेलियर हो जाएगा तो ब्लड फ्लो होना बंद हो जाएगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी में फैलता रहेगा, तो उससे बचने के लिए हमने ये प्रोसेस यूज़ होता है और ये हर मेडिकल एपिक सेंटर्स में यूज़ होता है, सो दैट द पर्सन शुड नॉट फेस एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टीज फॉर द सर्वाइवल आफ्टर किडनी फेलियर। इसमें सिरिंज में से हम ब्लड डालते हैं ग्लूकोज बॉटल में, तो वहाँ से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड डलता है और बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वहाँ से रिमूव होना शुरू हो जाता है, मतलब राइट साइड से हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड डालते हैं, उस लेफ्ट साइड से वो डीऑक्सीजनेटेड करके वो फ्लो होना शुरू हो जाता है। हमारा जो मॉडल है वो उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट है, जिसमें जो अभी पिछले साल ही दो जो ट्रेन थे वो क्रैश हो गए थे, जिसमें बहुत सारे जो लोग थे उनकी डेथ हो गई थी, तो उससे बचने के लिए हम लोग जो है ट्रेन के नीचे आईआर सेंसर लगाए हैं, तो जो सेंसर है उससे कोई भी डेथ जो भी डेथ अभी रिसेंटली जो डेथ था डेथ सिलेंडर वो आ जाता तो ट्रेन पूरा पलट गया था और बहुत सारे एनिमल्स भी आ जाते, बहुत लोग सुसाइड करने तो भी ट्रेन के सामने आ जाते हैं। इट्स वेरी यूजफुल, ये बहुत ही उपयोगी है क्योंकि बेजुबान जो रहते हैं जैसे एनिमल्स हो गए गाय वगैरह, वो इसके सामने आ जाते, उन्हें नहीं पता रहता कि इसके सामने आना सही है या नहीं, इस कारण हमने ये ट्रेन बनाया। बहुत सारे ट्रेन निकल जाते हैं उनको क्रॉस करते हुए और किसी को पता भी नहीं चलता और वहाँ पे पड़े रहते हैं एनिमल्स, तो उस चीज़ से बचने कोई भी अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे स्टॉप होएगा। और अभी ये बात बहुत सारे रेलवे तो नहीं पता है तो उनमें आईआर सेंसर तो यूज करना चाहिए जिससे वो ऑटोमेटिकली स्टॉप होए। स्कूल के सभागार में लगी प्रदर्शनी को देखने पहुंचे स्कूल समिति के पदाधिकारियों और छात्र छात्राओं के पालकों ने एक से बढ़कर एक मॉडल को देख छात्र छात्राओं की मेहनत को सराहा, साथ ही उन्होंने इनके अनुभव और जौहर की दिल से प्रशंसा की। इस दौरान स्कूल के प्राचार्य ने मीडिया के समक्ष जानकारी दी। एचआर ऑफ द स्कूल हूँ और हमारे यहाँ आज साइंस और कॉमर्स का एग्जीबिशन है, जिसमें मेरे क्लास 9 से लेकर 12 तक के एक एक स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है। हमने 8-8 का ग्रुप बनाया था और मेरे एक एक बच्चों ने इन्वॉल्वमेंट दिखाई है अपनी, और ये हमारा स्किल इंडिया पे बेस्ड प्रोग्राम है। हम टेक्निकली बच्चों को इतना एडवांस करना चाहते हैं, जो मॉडल्स हमने बनाए हैं वो बहुत एडवांस टेक्निक के मॉडल है, छोटे छोटे एप्लीकेशंस है जो आने वाले समय में इंडस्ट्रियल फॉर्म में आपको दिखेंगे। टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं 457 बच्चे और अभी हॉल में आपके सामने 120 बच्चे यहाँ पे मॉडल को एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम हर 2 ईयर्स में एक बार साइंस एग्जीबिशन करते हैं और एक बार वेस्ट फ्रॉम द वेस्ट करते हैं, तो आफ्टर एवरी 2 ईयर हम लोग ये एग्जीबिशन करते हैं। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।